गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का टॉपिक है जैव बहुलक। कल आप लोगों ने रबर के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ लिया था, संश्लेषित रबर आप लोगों ने पढ़ लिया था। संश्लेषित रबर के चारों प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसमें ब्यूना एस, ब्यूना एन आदि रबर आप लोगों ने पढ़ लिए थे। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है जैव बहुलक। जैव बहुलक क्या होते हैं, जैव बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, जैव बहुलकों के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इनके क्या क्या उपयोग है। आज की क्लास में हम जैव बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। सामने लिख दिया मैंने जैव बहुलक। जैव बहुलक को इंग्लिश में बायोपॉलीमर। अब आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है शब्द में पढ़े अपन तो जैव, जैव का मतलब क्या, जैव का मतलब सजीव, और सजीव का मतलब क्या आप लोगों के जीव जंतु और पेड़ पौधे। इसका मतलब ये सजीव तो केवल क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो मैंने दोनों ही चीज लिख दी। तो बे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, उन सभी बहुलकों को हम जैव बहुलक कहते हैं। क्या रही मेरी परिभाषा, बे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, उन बहुलकों को हम जैव बहुलक कहते हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, जैसे सैकेराइड हुआ, जैसे एमिनो अम्ल हुआ, ये सभी बहुलक आप लोगों के क्या कहलाएंगे, जैव बहुलक कहलाएंगे। मैं परिभाषा आप लोगों के सामने लिख देता हूं जैव बहुलक की। सामने देखो परिभाषा, परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। परिभाषा मैं लिख देता हूं इसमें, बे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई आप लोगों की। मैंने परिभाषा लिख दी, बे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैव बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करना चाहें तो इसमें प्रोटीन हो सकता है, सैकेराइड हो सकता है, अम्ल हो सकता है, एमिनो अम्ल हो सकता है, ETC, कई हो सकते हैं। जैव बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने कह दिया जैव बहुलक 2 टाइप लिख दिया मैंने यहां। जैव बहुलक कितने टाइप के हैं, 2 टाइप। जिसमें नंबर 1 जैव निम्नीकृत बहुलक, अब ध्यान दो आप लोग सामने ध्यान दो। जैव बहुलक की परिभाषा लिखने के बाद मैंने आप लोगों से बात की, क्या बात की, जैव निम्नीकृत बहुलक की। तो जैव निम्नीकृत बहुलक का मतलब बे प्राकृतिक या संश्लेषित बहुलक, बे प्राकृतिक या संश्लेषित बहुलक जिनका विघटन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा कर दिया जाता है, या जिन्हें सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटित कर दिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, उन बहुलकों को हम जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैव का मतलब सजीव, सजीव का मतलब जीव जंतु, निम्नीकृत का मतलब छोटे छोटे खंडों में क्या करना, विभाजित करना। तो बे प्राकृतिक या संश्लेषित बहुलक जिन्हें सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटित कर दिया जाए, वियोजित कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है PHBV, जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, और दूसरा एग्जाम्पल है नायलॉन 2 नायलॉन 6। सबसे पहले मैं इसकी आप लोगों के सामने परिभाषा लिख देता हूं, बे प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलक।
प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलक जिन्हें सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है उन्हें जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं, एग्जाम्पल जैव बहुलक में आप लोगों ने पहला पढ़ लिया था जैव निम्नीकृत बहुलक, और जैव निम्नीकृत बहुलक की हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, और इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल PHVV, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों को बढ़िया तरीके से चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ध्यान से देखना। बैलेट भी कह सकते हैं और बैलेरेट भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो लिख सकते हैं, दोनों ही मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। तो सबसे पहले तो PHVV के फुल फॉर्म में ही ज्यादातर पूछ लेता है एक नंबर में, कि PHVV के फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सा बहुलक है। तो PHVV के फुल फॉर्म आपको पता लग गई, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेट, ये आप लोगों का इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसकी अपन एकलक इकाई की बात करें, एकलक इकाई की ध्यान रखना, इसका नाम कई बार पूछा गया है। एकलक इकाई की बात करें तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर, मैंने इसकी एकलक इकाई के बारे में चर्चा कर दी। इसकी एकलक इकाई दिखाई दे रही है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, क्या अंतर है, इसमें ब्यूट है इसमें पेंट है, लेकिन दोनों एकलक इकाई अलग अलग प्रकार की हैं। इसका मतलब जो ये बहुलक होगा वो बहुलक कौन सा होगा, सम बहुलक के सह बहुलक के साथ सह बहुलक, क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाई है इसलिए सह बहुलक। बहुलीकरण की यदि हम बात करना चाहें तो आपको पता ही है बहुलीकरण में क्या दिख रहा है, सर संघनन दिख रहा है हमको, तो क्यों दिख रहा है संघनन, क्योंकि सह बहुलक है इसलिए संघनन बहुलीकरण। तो अब दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ तक पूरे हो गए। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं बता दूं, PHVV का फुल फॉर्म या PHVV का आप लोगों से पूरा नाम पूछता है, तो वो लिख दिया, क्या लिख दिया, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेट या बैलेरेट। PHVV कौन सा बहुलक है, ऐसा PHVV संघनन बहुलक है, कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है, संघनन बहुलीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है, यानी सह बहुलक होने के कारण। अब इसको बना लेते हैं, बनाने का तरीका आप ढंग से देख लो। पहली एकलक इकाई तो दिखाई दे रही है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूट, चार कार्बन है,
चार कार्बन है, वन टू थ्री ये फोर, नीचे लिख दिया मैंने सुविधा के लिए, उसका कारण बताएंगे आप। थ्री पे हाइड्रोक्सी है, वन टू थ्री, थ्री पे आप लोगों का मैंने हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब कौन सा ग्रुप, ओ एस समूह। ब्यूट है, ब्यूट में ओ एक अम्ल जुड़ रहा है, मतलब क्या जुड़ रहा है आप लोगों का, सी डबल ओ एच जुड़ रहा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। थ्री पे हाइड्रोक्सी, थ्री पे हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब सी डब्ल्यू एच ग्रुप। अब क्या करना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। संयोजकता पूरी करने के लिए एक दो तीन और एक चार, एक दो, दो और दो चार, एक दो तीन चार पूरी हो रही है, इसकी एक ही हो रही है, इसका मतलब कितने कार्बन, तीन हाइड्रोजन। क्लियर, आगे क्या लगाना है मुझे, एन। ये क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हो गया साहब ये तो। अब थ्री हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक अम्ल की बात होंगी, तो वही पांच कार्बन होने चाहिए पेंट में, तो पेंट में पांच कार्बन, वन टू ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। क्लियर, वही तीन पे हाइड्रोक्सी है, तो तीन पे वन टू थ्री, इधर क्या लगाना है मुझे, ओ एच। क्लियर बात सबके, ओ एच लगाने के बाद वही ओइक अम्ल, इसका मतलब सी डबल ओ एच, सिंगल 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 और ये सिंगल। अब आप देखते चलना बिल्कुल भी, एक दो तीन चार पूरी है, एक दो और दो चार, एक दो तीन और एक चार, एक दो, दो और दो चार, एक तीन और एक चार। क्लियर होगी बात सबके, अब आगे क्या लगाना है आप लोगों को, वही आगे लगाना है एन। अब बनाने का तरीका आप लोग देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों के बनाने का तरीका, बनाने का तरीका आप लोग यहीं देख लो नीचे। अब इसको अपन बना रहे हैं, तो बनाने के लिए आप लोग देख रहे हैं, यहां से मैंने H को हटा दिया, ये वाला H क्या आ गया आप लोगों के, O सिंगल, ध्यान से देखते चलना, सिंगल सी एच, सिंगल से नीचे क्या जुड़ रहा है, सी एच थ्री, सिंगल सी एच टू, सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से क्या निकाल दिया मैंने, ओ एच, और सिंगल की जगह सिंगल। बताओ किसी को कोई समस्या आई क्या, एच मैंने हटा दिया, ओ की जगह ओ आ गया, सी एच की जगह सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ओ एच निकाल दिया, फिर वो की वही कंडीशन, यहां से क्या निकालना है मुझे, एच, एच निकाल दिया, तो केवल क्या रह गया आप लोगों का, ओ सिंगल, सी एच की जगह सी एच, नीचे नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, सिंगल सी एच टू, सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया, ओ एच, और सिंगल लगाना है इधर, इधर भी सिंगल बॉन्ड लगाना, और कोष्टक लगाना है, और कोष्टक लगा के क्या लगाना है, एन लगाना है। अब ये वाला एच और ये वाला ओ एच, ये वाला एच और ये वाला ओ एच आपस में रिएक्शन करके प्लस करके क्या बाहर निकालेंगे, एच टू, इनकी संख्या भी एन है और इनकी संख्या भी एन है, इनका मतलब क्या बाहर निकल जाएगा प्लस करके, एन एच टू ओ। क्लियर, और ये आप लोगों का क्या बन गया बेटे, ये बन गया पी एच बी वी। क्लियर हो जाना चाहिए सबके। अब मैं थोड़ी सी आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, बनाने का तरीका आप लोगों को पता चल गया। अब देखो, ओ ओ सी एच सी एच, सी एच टू सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या सी एच थ्री समूह आर नहीं है क्या, है सर, क्या ये सी टू एच फाइव समूह आर नहीं है क्या, है सर, तो क्या इसको अपन आर समूह से नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, तो दो एक लग के लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन चाहे तो इसको एक ही साथ लिख सकते हैं, यही कोष्टक लगा के एन लगा देंगे, यही कोष्टक लगा के एन लगा देंगे, लेकिन कब, जब इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों के, आर समूह आएगा। क्लियर होगी बात सबके, ये आप लोगों का पी एच बी बी हो गया, पी एच बी बी का मतलब पॉली, दिख रहा है आपको, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेरेट या बैलेट, ये आप लोगों का जैव निम्नीकरण बहुलक का एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और है आप लोगों का इसका, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स, जो केवल इसका नाम दे रखा है, कौन सा बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक है, चर्चा इसकी आगे नहीं कर रखी है, इसलिए आप लोगों को भी करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे अजैव निम्नीकृत बहुलक, नंबर सेकंड आप लोगों का जैव निम्नीकृत बहुलक के बाद, नंबर दूसरा अजैव निम्नीकृत बहुलक, इसकी क्या परिभाषा है, बेसंश्लेषित बहुलक, प्राकृतिक नहीं है ये बहुलक,
बेसंश्लेषित बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा छोटे छोटे भागों में विखंडन नहीं होता है वो बहुलक क्या कहलाते हैं आप लोगों के? एजैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत में तो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विखंडन हो जाता था, एजैव निम्नीकृत में सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विखंडन नहीं होता है। इसका मतलब इसकी परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? बेसंश्लेषित बहुलक। संश्लेषित की बात हो रही है केवल, बेसंश्लेषित बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विखंडन नहीं होता है, तो परिभाषा आपको पता चल गई, बेसंश्लेषित बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विखंडन नहीं होता है वो बहुलक आप लोगों के क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकृत बहुलक।